दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नागपूर जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल सिरिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी सायकल रॅली काढून पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमती विरोधात केंद्र शासनाचा विरोध दर्शवत स्वाक्षरी अभियान आणि पेट्रोल पंपावर निदर्शने करण्यात आली। सावनेर विधानसभा क्षेत्रातील पाटण सावंगी येथे इंधन दरवाढ आणि महागाई कमी करण्यासाठी सायकल रॅली काढण्यात आली। यावेळी युवक काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। याप्रसंगी नागपूर जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल सिरिया यांनी मोदी शासनाच्या कार्यप्रणालीवर सडाडून टीका करत म्हटले की मोदी सरकार सर्व स्तरावर विफल झाले असून सामान्य माणसाच्या नरडीवर नख ठेवून भांडवलशाहीला पोषक असे सरकार आहे। एकीकडे पेट्रोल डिझेल सोबतच घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर गगना भिडत आहे तर खाद्यान्न तेल सोबतच जीवनावश्यक वस्तू जनसामान्यांच्या अवाक्याच्या बाहेर आहेत। सुशिक्षित अशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगार तर उपलब्ध करून दिला जात नाही, उलट देशातील लाखो युवकांना रोजगार हिरावून घेतलाय। शेतकरी शेतमजुरांची आर्थिक बहाली कशी आणि केव्हा देणार आणि केंद्रातील मोदी सरकार याकडे लक्ष केव्हा देणार असा सवालही या प्रसंगी उपस्थित केलाय। बढती महंगाई के खिलाफ यहां पे साइकिल रैली निकाली गई। हमारे युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष राजेश जी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। इस जिले के प्रभारी नागपुर के श्रीनिवास नालंबर जी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस अजीत जी, नागपुर के जिलाध्यक्ष राहुल सिरिया जी और हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण सभी लोग इस रैली में सम्मिलित हुए। और रैली निकालने का मकसद केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार को जगाना है। आज पेट्रोल डीजल का दाम 110 रुपए से ज़्यादा हो चुका है। खाने का जो हमारा गैस सिलेंडर है उसका दाम कांग्रेस सरकार थी उस वक्त 300 था, अभी 900 रुपए हो चुका है। तो इस देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर केंद्र सरकार किसी प्रकार से काबू नहीं कर पा रही है, उसी के खिलाफ पूरे देश। महाराष्ट्र टीवी 24 साठी किशोर ढुंडले सावनेर।